बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.8 करेंगे। इसमें हमने थ्री टर्म्स के उसको एक्सपेंड करना है, यानी स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x+3y+2z2। अच्छा, हमें पहले मालूम है आपको a+b, इसका हमें फॉर्मूला याद है, a² + b² + 2ab। अच्छा, इसी तरह हमें a+c होता तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, a² + c² + 2ac। इस तरह का b+c होता तो उसका स्क्वायर भी हमें मालूम है, b² + c² + 2bc। अच्छा, हमारे पास अब नया फार्मूला आ गया, वो क्या है, a+b+c। अब तीन टर्म है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप समझ लें आपके अच्छा, पहले क्या करें, हम सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट लगाया हमने और इस तरह से आप स्क्वायर के साथ तीन ब्रैकेट लगा लें, फिर टू लिखें, फिर इस तरह से आपने दो दो ब्रैकेट साथ में फिर लगा लें, और ये अच्छा। अब हमने क्या करना है, देखें अब जो चीज़ हमने यहाँ है वो यहाँ लिख दें, जो यहाँ है वो यहाँ लिख दें, जो यहाँ है वो यहाँ लिख दें। अच्छा, अब इन दोनों कंबाइन करें तो यहाँ लिख दें, फिर इन दोनों कंबाइन करें यहाँ लिख दें, फिर इन दोनों कंबाइन करें और यहाँ लिख दें। ये हमारा फार्मूला आ गया। तो फार्मूला हमारा क्या आ गया, इस तरह से फार्मूला बन गया। अच्छा, अपने अपसम की तरफ चलते हैं, x+3y+2z2। अच्छा, वैसे हम करेंगे, हमने पहले क्या किया, मिडिल ब्रैकेट लगाया, एक स्क्वायर ऐसे बनाया हमने, तीन ब्रैकेट लगा के तीन स्क्वायर कर दिए, फिर हमने टू लिखा और दो दो ब्रैकेट लगा दिए मिडिल टर्म के लिए। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ है वो आपने यहाँ लिख दी, जो चीज़ यहाँ है वो आपने यहाँ लिख दी, जो यहाँ है वो आपने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इन दोनों कंबाइन कर लें तो यहाँ x आ गया, यहाँ से आपके पास 3y आ गया, इन दोनों कंबाइन कर लें, ये 3y आ गया, ये 2z² आ गया, फिर इन दोनों कंबाइन कर लें तो ये x आ गया और 2z² आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये x² आ गया, ये आपका 3x² की जगह 9y² आ गया, और ये 4z² आ गया। अच्छा, अब इसको करें, नहीं ये आपका 2 है, ये पावर 4 आ जाएगी। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6xy आ गया, यहाँ 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, यहाँ क्या आ जाएगा, y² + z² आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, 2 × 2 = 4x + z², ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन 1 के। अच्छा, इसमें हम ऐसे करेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ ये मिडिल टर्म के लिए हमने ये ब्रैकेट लगा दिए और ये हमारा मिडिल ब्रैकेट आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ देखे क्या करना है, अब जो चीज़ यहाँ थी वो आप यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ है वो हमने यहाँ लिख दिया, जो यहाँ पे वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों का कम्बिनेशन कर लें, इन दोनों कम्बिनेशन किया हमने, क्या आ गया, 4x - 3y। अब इन दो का कम्बिनेशन कर लें, -3y और ये आ गया 5z। अच्छा, अब इन दो का कम्बिनेशन कर लें तो क्या आ जाएगा, 4x + 5z। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4x² क्या आ जाएगा, 16x² और अच्छा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा 3x² 9y² और 5x² 25z². अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखें ये माइनस प्लस, ये माइनस आ गया, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24xy आ गया,
इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 3 15 2 30 YZ आ गया। अब यहाँ क्या आया देखें आप, 5 4 20 20 2 40, ये 40X और Z आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास, अब देखें फिर हमने क्या करना है, मिडिल स्क्वायर लगाया और स्क्वायर के हमने 3 ब्रैकेट बना लिए और यहाँ पे फिर 2 लिखा और मिडिल टर्म के लिए हमने फिर 2-2 के ब्रैकेट बना लिए। अच्छा अब यहाँ देखें क्या है, 7X, हमने 7X यहाँ लिख दिया, यहाँ -2Y यहाँ लिख दिया, -3Z यहाँ लिख दिया। अब जो यहाँ है आप, अब देखें इनका बनाए तो ये आ गया आपका 7X और -2Y, और अब इनका बना लें -2Y -3Z, अब इनका बना लें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7X -2Y। अच्छा अब इसको एक्सपेंड कर लें तो 7 क्या आ गया, 7X, ये 49X स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये +4Y स्क्वायर आ गया, ये 9Z स्क्वायर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस और 2 7 2 14 2 28XY आ गया, माइनस माइनस प्लस फिर और ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या होगा, 3 2 6 6 2 12 YZ हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 7 2 14 14 2 28XY, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। यहाँ भी आपने ऐसे किया, यहाँ सबसे पहले हमने फिर मिडिल टर्म के लिए बना ली हमने, क्लोज कर दिया इसको। अच्छा आप देखें यहाँ क्या लिखेंगे, ये a/2 लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, -2/3B लिख दिया, यहाँ आ गया 3/4C। अच्छा यहाँ क्या आएगा, जो यहाँ लिखा है इन दो को बना लें, यानी कि a/2 ये आ गया -2b/3। अच्छा अब इन दोनों को बना लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2b/3 और ये आ गया 3/4C। अब इन दोनों को बनाएं तो ये आ गया a/2 और 3/4C। अच्छा अब इसको एक्सपेंड कर लें, ए या क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ ये 4 आ गया, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो ये 4 आ गया, ये 9B स्क्वायर आ गया, ये 9 और 4 का स्क्वायर 16C स्क्वायर आ गया। अच्छा अब देखें यहाँ से 2 को 2 का कैंसिल हो गया यहाँ पास तो प्लस माइनस माइनस आ गया 2AB/3। अब यहाँ से 3 थी कैंसिल कर दें और 2 से 2 को आपने 2 को कैंसिल किया, 2 आ गया तो ये B है हमारे पास तो प्लस माइनस ये माइनस आ गया और क्या आ गया। अच्छा अब ये जो हमारा 2 है इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास आ गया यहाँ से BC। देखें इसको फिर देख लेते हैं, इस 2 को हमने, ये 2 था, इस 2 से ये 2 ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया और अब अच्छा यहाँ आ जाए देखें तो हमारे पास बचा क्या, देखें ये हमारे पास से कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचा BC। और यहाँ देखें क्या है आपका, ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ आ गया आपका 3AC/4। चलें इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये पार्ट 4 है हमारा,
अच्छा, इसमें हमारे पास सब में सी था ही नहीं, जो हमने ये सी लिख लिया है। इसमें क्वेश्चन में सी नहीं था। ठीक है, तो इसको चले दोबारा कर लेते हैं। ये हमारे पास था, या सी को हम ख़त्म कर देते हैं, चलिए दूसरा कर लेते हैं इसको। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अब हमने पे किया, मिडिल ब्रैकेट लगाया यहाँ हमने, और फिर मिडिल टर्म के लिए अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, जो यहाँ दिया आपको आपने ए ओवर टू लिख दिया, यहाँ माइनस टू बी ओवर थ्री लिख दिया, यहाँ आपने थ्री अपॉन फोर लिख दिया। अच्छा, इन दोनों कंबाइन किया हमने तो क्या आ गया, ए अपॉन टू माइनस टू बी अपॉन थ्री। अच्छा, अब हमने इन दोनों कंबाइन किया तो क्या आ गया, माइनस टू बी अपॉन थ्री और थ्री अपॉन फोर। अच्छा, इन दोनों कंबाइन किया तो आ गया ए अपॉन टू और थ्री अपॉन फोर। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन फोर, और ये हो गया प्लस, क्यों माइनस स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, फोर बी स्क्वायर अपॉन नाइन, और ये हो गया नाइन अपॉन सिक्सटीन। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब यहाँ क्या हुआ कि ये टू से ये टू को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस टू ए बी ओवर थ्री। अब यहाँ देखें क्या हुआ, अब ये टू और टू फोर इससे हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया सिर्फ माइनस बी। हम यहाँ क्या हुआ देखें, यहाँ से टू को टू से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये प्लस थ्री ए अपॉन फोर। इसको आंसर चेक करते हैं, अभी हमारा आंसर सही आ गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।